मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो एक और मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 11वां अध्याय उसका 16वां वचन हम पढ़ें। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। आज जो हमने वचन पढ़ा है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन एक मनुष्य का पूरा चित्र हमारे सामने प्रकट कर रहा है। और मनुष्य का चित्र जब हम कहते हैं उसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। इधर पढ़े हुए वचन में अनुग्रह करने वाली स्त्री और उग्र पुरुष के बारे में लिखा गया है। सर्वशक्तिमान ने जब मनुष्य को बनाया है उसने पुरुष और स्त्री दोनों में कुछ खूबियां बनाई हैं, जिसके कारण वो दोनों भिन्न हैं। और जब ये दोनों एक हो जाते हैं तब वो परमेश्वर की योजना के अनुसार पूरे हो जाते हैं। एक स्त्री की खूबसूरती उसका अनुग्रह है, और वो इस समाज में और परिवार में शांति का माहौल पैदा करने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि स्त्री एक परिवार का एक मुख्य खंबा है और उसे परिवार को प्रेम के साथ देखभाल करना है। और ये अनुग्रह का खूबी उसमें हो तो ही वो अपना जिम्मेवारी अपना कर्तव्य निभा सकती है। वो कितने जख्मों को अपने तसल्ली देने वाले शब्दों के द्वारा अपने प्रेम के और करुणा के द्वारा ठीक कर सकती है, और उसका अनुग्रह भरा स्वभाव परिवार में एकता को बनाए रखता है। उसी समय बल पुरुष का महिमा है, क्योंकि वो परिवार का सिर है, उसके कंधों में बड़ी जिम्मेवारी है, उसने शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना है परिवार का। सो हम एक दूसरे को इस तरह ना देखें जैसे कि दूसरा बेकार है, किसी काम का नहीं, और हम अपने बल पर ही चल सकते हैं। जिस प्रकार केवल बल से बल परिवार के लिए काफी नहीं है, इसी प्रकार अनुग्रह ही अकेला काफी नहीं है। बल और अनुग्रह दोनों की जरूरत है ताकि परिवार में वो संतुलन बना रहे। आज हम देखते हैं आज स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना ही अपने बलबूते पर चलने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है कि हम खुद ही चल सकते हैं, इसलिए आजकल पुरुष नरम स्वभाव का हो जाता है, अनुग्रहकारी बन जाता है, और स्त्री अपना बल दिखाने लग जाती है, जिसके कारण समाज में और कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि दोनों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, समाज में कितनी आशीष का कारण बनेगा। अगर पुरुष अपना कर्तव्य समझकर सच्चे मेहनत से सच्चे तौर तरीके से कठिन मेहनत करे तो परमेश्वर भी उसकी सहायता करता है, उसके संसार भर के जीवन की जरूरतें भी परमेश्वर पूरा करके देता है। लेकिन धन से अकेला परिवार नहीं चल पाएगा। एक दयालु एक अनुग्रहकारी स्त्री जो परमेश्वर के भय में जीवन बिताती है वो अपने परिवार के लिए आदर का कारण है, और परमेश्वर का भय रखने वाला परिवार समाज के लिए आदर का कारण है। उस परिवार के बच्चे आशीषित हैं और पीढ़ियों के लिए नमूना का कारण है। लेकिन यह तभी संभव होगा अगर स्त्री और पुरुष दोनों जो परिवार के मूल स्तंभ हैं आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं और अपने प्रार्थना जीवन और वचन मनन के द्वारा सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, और इसके द्वारा वो परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं और प्रभु के मार्ग में चल पाते हैं। और ये बात परस्पर एक दूसरे को प्रेम और आदर करने में मदद करता है।
दूसरे में कितनी कमी कमजोरी है उसको सहते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे साथ व्यवहार किया, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि कैसे पुरुष और स्त्री एक दूसरे को आदर करना है, और वचन भी दोनों को आदर करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को समझें और परमेश्वर के भय में आगे बढ़ें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जब आज समाज पाप की दलदल में डूब रहा है, इस संसार के लिए एक ही आशा परमेश्वर के सिद्धांत पर बने हुए परिवार के ऊपर ही है। सो आइए इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों का अनुसरण करें जो प्रभु के वचन में दिया है, और समाज के लिए आशीष का कारण बने। आइए एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को तुच्छ ना समझें। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन उसका फायदा उठाए और परिवार में फूट ले आए और आने वाली पीढ़ियों के लिए दुख का कारण बने। आइए मिलकर एक साथ एक मन के साथ प्रभु का नाम के महिमा के लिए इस दुष्ट संसार में हम जिए। सो आइए हम प्रभु से ज्ञान मांगे और प्रभु में बलवंत हो, ताकि हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांत के अनुसार प्रभु के नाम के महिमा के लिए जीवन बिता सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, आपने मनुष्य को बड़ी योजना से बनाया, स्त्री और पुरुष में अपने खूबियां दे रखी है। अपने जिम्मेवारियों को समझकर विश्वास योग्यता से आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद कर। आपकी आशीष हम एक एक पर हो, ताकि समाज आशीषित हो, आपके नाम के महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा, मारा नाथा।